की जो वीडियो है वो ये वीडियो वो खास होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनका TSH काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है, जिनको हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम है, जो कि थायरोनोम की टैबलेट ले रहे हैं, उन लोगों के लिए ये है वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि थायराइड में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नहीं खानी चाहिए, जैसे कि पत्ता गोभी, बंद गोभी, मछली, सोयाबीन, सोयाबीन का तेल वगैरह, ये सारी चीज़ें थायराइड नहीं में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें थायराइड को बढ़ाती हैं, उनको रोकती नहीं है, और जिस वजह से थायराइड आपका डिसबैलेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए और भी स्पेशल है जिनका थायराइड में वजन बढ़ने को लेकर के थायराइड है। मतलब थायराइड दो तरह के होते हैं, एक में एक वजन घटाता है और दूसरा वजन बढ़ाता है। जब थायराइड के जो थायराइड ग्रंथियां होती हैं वो अपना काम सुचारू रूप से नहीं करती है, इस वजह से थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और ऐसा इश्यू पैदा होता है। नॉर्मली ये प्रेग्नेंट लेडी में होता है, और प्रेग्नेंट लेडी जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद ये थायराइड ख़त्म हो जाता है, बट कुछ लोगों में ये थायराइड वहीं से जुड़ जाता है एंड उनको लाइफ टाइम थायराइड की टैबलेट खानी पड़ती है। मैं भी थायराइड पेशेंट हूँ, और ये वीडियो टेस्टेड है क्योंकि मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने ऊपर, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ताकि जो मुझे बेनिफिशियल इसका मिल रहा है वो आपको भी मिले। और कोई भी अदर जिनको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है वो इस वीडियो को देखें बट उसको अप्लाई ना करें, क्योंकि इसको उनको अदर से अप्लाई करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो और ऐसी डाल रखी है जिसमें आप अपना वजन कम कर सकते हैं, बट ये स्पेशली थायराइड पेशेंट के लिए है, इसलिए आप इसको बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। हाँ, आप अपने फ्रेंड्स में एंड नेबर्स में एंड रिलेटिव्स में इसको शेयर कर सकते हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको बता सकते हैं, इस तरीके से वो अपने वजन पे काबू पा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बातें आपसे क्लियर करना चाहती हूँ, और हर वीडियो में मैं ये बताती हूँ बट फिर भी कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता और बार बार वो रिपीट करते हैं इस चीज़ को कि डिटेल्स में बताइए, और डेली रूटीन वो समझ नहीं पाते। तो आज मैं पूरी तरह से फिर से एक बार आपको क्लियर तरीके से बता देती हूँ कि डेली रूटीन का मतलब क्या होता है और इस चीज़ को हमें कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आते हैं अपने डेली रूटीन। बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि डेली रूटीन क्या होता है। जब मैं उनसे कहती हूँ कि अपना डेली रूटीन सही रखिए तो वो कहते हैं कि डेली रूटीन मतलब आप अपना टाइम, जिस टाइम आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, फिर इवनिंग में स्नैक्स वगैरह लेकर के रात में डिनर करते हैं, उसको डेली रूटीन कहते हैं। अगर आपने डेली रूटीन आपका सही नहीं है तो आप कितनी भी टैबलेट खा लीजिए, कितना भी वेट लॉस पाउडर या डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह ले लीजिए, आपको कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तभी इफ़ेक्टिव होती हैं जब आपका डेली रूटीन सही होता है। आप मॉर्निंग में टैबलेट भी ले रहे हैं एंड आप मॉर्निंग में ये भी ड्रिंक वगैरह भी पी रहे हैं एंड और मॉर्निंग में आप सुबह 6:30 या 5 या 7 बजे के बजाय उठने के बजाय मॉर्निंग में 10 बजे सो के उठते हैं या 9 बजे सो के उठते हैं, तो आपका पूरा रूटीन वहीं से डिसबैलेंस हो जाता है। अगर आप 9 बजे सो के उठेंगे तो आप 11-12 बजे आप नाश्ता करेंगे, फिर आपका खाने का टाइम और लेट हो जाएगा, मतलब 4 बजे आप लंच करेंगे, तो शाम का तो स्नैक्स चला गया, फिर आप सीधे डायरेक्ट रात में खाना खाएंगे, तो वो आपको कहाँ से आपके बॉडी में लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। और ऊपर से अगर आप टैबलेट भी ले रहे हैं थायराइड के लिए ले रहे हैं या फिर जिनको थायराइड नहीं है उनके लिए भी ये बातें हैं, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, चाहे आप कितना आप बाहर वॉकिंग जा रहे हैं, आप कार्डियो कर रहे हैं, आप टहल रहे हैं, आप वेट लॉस पाउडर ले रहे हैं, ड्रिंक ले रहे हैं, वो कोई भी फ़ायदा नहीं करेगी अगर आप अपना डेली रूटीन सही नहीं रखते हैं तो। और मैंने बताया है इस तरह की जो पाउडर या ड्रिंक वगैरह होते हैं वो मॉर्निंग में सुबह लेते हैं, तो वो भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। तो जैसे थायराइड पेशेंट हैं, आप लोगों को तो अच्छे से पता होगा कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि थायराइड के जो पेशेंट हैं उनकी जो टैबलेट है वो मॉर्निंग में ही लेनी चाहिए, वो भी खाली पेट, और
थायराइड की जो टैबलेट होती है उसको लेने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। मतलब आपका पेट उस समय बिल्कुल खाली होना चाहिए, तभी ये ज़्यादा अच्छे से अपना काम करती है। इसलिए बोला जाता है कि खाली पेट लीजिए। तो खाली पेट लेने का यही होता है रीज़न कि चीज़ें कितने अच्छे से अपना वर्क कर रही हैं, कितने तेज़ी से काम करती हैं, खाली पेट पे ज़्यादा तेज़ी से काम करती हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप इस तरह का पाउडर या ड्रिंक खाली पेट लीजिए, ताकि आपको जल्दी से इफ़ेक्टिव आपको रिज़ल्ट मिले। क्योंकि आपको यहाँ पे इंस्टेंटली रिज़ल्ट भी चाहिए कि आपने एक दिन में यूज़ किया और तुरंत एक दिन में ख़त्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप फूडिंग खाते हैं, आप एक्स्ट्रा फूड, आप बर्गर और चिली और पनीर वगैरह और कितना जंक फूड खाते हैं, तब आप क्या ये सोचते हैं, इस ये सोच के आप खाते हैं कि मैं ये खा रही हूँ और दूसरे दिन मैं मोटी हो जाऊँ? ऐसा नहीं होता है ना, धीरे धीरे बढ़ता है। तो उसी तरीके से जब इसको घटाना होता है ना, तो ये भी धीरे धीरे घटता है। एक बार में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए या कितनी भी महंगी दवाई खा लीजिए, कितना भी कोई चीज़ यूज़ कर लीजिए, वो एक बार में इफ़ेक्ट नहीं करेगा, धीरे धीरे करता है। वो भी अगर आप रूटीन कर रहे हैं, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, अगर आपने डेली रूटीन अपना सही करके किया तो आपको 1 वीक में ही इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मुझे खुद मिल रहा है, इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ, इसको मॉर्निंग में खाली पेट लेना है एंड अपना रूटीन सही कीजिए। टाइम से उठिए, टाइम से खाना खाइए, टाइम से सारे काम कीजिए, तो देखिए जितनी भी ये मोटापे की प्रॉब्लम है आपकी सारी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा जो आपकी इंटरन और प्रॉब्लम, क्योंकि मोटापा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जिस वजह से और कई बीमारियां इसकी वजह से हो जाती हैं, सिर्फ ये मोटापे की वजह से, जैसे कि आलस आना, काम में मन नहीं लगना, थकावट होना, नींद बहुत आना, इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है मोटापे की वजह से। तो अगर आपका मोटापा ही नहीं रहेगा तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने आपको अच्छे से प्रॉपर बता दिया है। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं डेली रूटीन का क्या मतलब होता है और मैं आपको खाली पेट मॉर्निंग में इसको लेने के लिए क्यों कहती हूँ। तो चलिए अब आगे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने जो वीडियो मैं बताने जा रही हूँ वो है ये, मतलब ये जो वीडियो, ये मैंने परचेस किया है purple.com से, और ये पाउडर है और ये मैंगो इंगवर पल्वर पाउडर, मतलब ये हल्दी पाउडर है, बट नॉर्मल जो खाने वाली हल्दी होती है उसका पाउडर ये नहीं है। तो जो खाने वाली हल्दी है उसका ये पाउडर ये नहीं है, ये कस्तूरी हल्दी है। कस्तूरी हल्दी हमारे थायराइड को बढ़ने नहीं देती, उसको रोकती है और बहुत ही जल्दी थायराइड में आपका वजन कम करने में सहायक होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया। और थायराइड पेशेंट ध्यान से सुने, आपको नॉर्मल हल्दी यूज़ नहीं करनी है, आपको यही हल्दी यूज़ करनी है। आप किसी भी किराने की शॉप पे जा कर के उससे कस्तूरी हल्दी मांगेंगे तो वो आपको देंगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर लीजिएगा। आपको कस्तूरी हल्दी ही यूज़ करनी है। जैसा कि सबको पता है, कस्तूरी हल्दी सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, आपके हेयर के लिए एंड सबसे ज़्यादा आपके स्किन को ग्लो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होती है। जो भी न्यूली मैरिड जिनकी शादी हुई रहती है वो उपटन वगैरह इसी से ये हल्दी ही यूज़ करके लगाती हूँ। तो ये हल्दी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है नॉर्मल हल्दी की बजाय। तो आपको ये हल्दी यूज़ करनी है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको काम नहीं करना है, सिर्फ एक चुटकी ये हल्दी आपको वार्म वाटर के साथ लेना है और एवरी इसको डेली मॉर्निंग में आपको खाली पेट लेना है। जैसे कि मैंने पहले बता ही दिया है आपको खाली पेट क्यों लेना है और आपका रूटीन आपको सही रखना है। तो इसको लेंगे और हफ्ते, अगर आप मंथ मतलब एक मंथ आप रेगुलर इसको करें तो उसको आपका काफ़ी आपको खुद ही महसूस होगा कि आप कितने हल्के फील कर रहे हो, आपके कपड़े जो टाइट हो रहे हैं वो आपको लूज होने लगेंगे। इतना ये इफ़ेक्टिव, इतना ये कारगर ये नुस्खा है थायराइड पेशेंट वालों के लिए। और एक हफ्ते अगर आप रूटीन से करते हैं, मेरी मानिए रूटीन सही रखिए, और रूटीन अगर आप सही रखते हैं तो
मोटापा तो आपका कम होगा ही, इसके साथ जितनी भी और तरह तरह की बीमारियां जो हो जाती हैं उससे भी आप निजात पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ल्यूक वॉर्म वाटर एंड इसमें मैं लगभग आधे से भी कम, मतलब एक चौथाई चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कस्तूरी हल्दी का, और उसको इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। एंड इसके बाद हमें इसे पीना है। तो बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी में रहेगा आपका, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है हल्दी पाउडर का। कस्तूरी हल्दी ध्यान रखिएगा, नॉर्मल हल्दी यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है। मैं बार बार आपको ये बात बता रही हूँ, आपको कस्तूरी हल्दी ही यूज़ करना है। और ये स्पेशली जो थायराइड पेशेंट है उनके लिए वीडियो है, जो जिनको थायराइड नहीं है वो ये वीडियो देखें, बट इसको अप्लाई मत करिएगा। उनके लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो अगर आपको देखनी हो तो मेरे चैनल पे आकर के इस तरह उस तरह की बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, जो कि वेट को वजन को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो आपको इसको लेना है एवरी मॉर्निंग खाली पेट, और इसको अगर आप वन वीक यूज़ करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही, बट आपको इसको मंथली यूज़ करना है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका थायराइड जड़ से ख़त्म हो जाए, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो आप इसको लीजिए, साथ ही साथ अपना रूटीन भी अच्छा रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि इस आज के टाइम में थायराइड पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और धीरे धीरे ये बढ़ ही रहे हैं और परेशान रहते हैं थायराइड पेशेंट अपने बढ़ते वजन को लेकर के सबसे ज़्यादा। तो उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इस छोटे से नुस्खे का फ़ायदा वो उठा सके, अपने बॉडी को रिकवर कर सके, हेल्पफुल बना सके। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हैव अ गुड डे, बाय।